अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको खुश आमदीद हमारे चैनल हारिस टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर लाया हूँ जिसकी मदद से आप गूगल मैप के ऊपर से डाटा को स्क्रैप कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस का डाटा गूगल मैप से स्क्रैप कर सकते हैं। सो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गूगल मैप ओपन करता हूँ, गूगल मैप, तो गूगल मैप पे फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो मैं सर्च करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल डाटा रेस्टोरेंट्स के बारे में, ठीक है। तो रेस्टोरेंट्स डिफरेंट आ जाएंगे। सो लेकिन इसमें आपको कुछ तरीके से डाटा को स्क्रैप करना, यानी कि आपने डाटा से फेच करना है जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन सब का। कहाँ से फेच करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो ये सॉफ्टवेयर मेरे पास है, जिसको चाहिए वो मुझसे स्पेशल कॉन्टेक्ट करके ये सॉफ्टवेयर ले सकता है। आउट प्रोफाइल, आउट टू, और सर्च लगा देंगे हम फ्यूल पंप्स इन लाहौर, फ्यूल पंप्स इन लाहौर। तो आप अपने मर्जी के जो सा है वो बिज़नेस को अप्रोच कर सकते हैं। मेरे जेन में सेम फ्यूल पंप आया, तो मैंने फ्यूल पंप लगा दिया, ठीक है। मैंने एक ही सर्च करनी है, दूसरी सर्च नहीं करनी, क्योंकि तो मेरे जेन में भी मज़ीद कुछ आ नहीं रहा। तो फ्यूल पंप से लाहौर इसने क्रॉलिंग जो है सर्च करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये गूगल क्रोम की विंडो को ओपन करेगा। ये दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें मेरे ख्याल से आपको फ़ोन नंबर भी मिलेगा, क्योंकि फ्यूल पंप्स ने अपने नंबर दिया होते हैं, देखे दिया हुआ है। पहला पंप शेल का, सो लाहौर के फ्यूल पंप्स को इसने फेच करना शुरू कर दिया। हम थोड़ी देर वेट करेंगे, ठीक है। दो पेज स्क्रैप हो गए हैं। फर्स्ट टाइम मैंने आपको वैसे भी बताया था, जब सॉफ्टवेयर आप चलाएंगे तो ये थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन सेकंड टाइम जो सा ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि ये कैशे मेमोरी का इस्तेमाल करता है। तो अब थर्ड टाइम आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली चल रहा है, हर पेज पे, ईच पेज पे जो सा ये 20 रिकॉर्ड्स को फेच कर रहा है। फोर पेजेस आर स्क्रैप्ड। फाइव पेज स्क्रैप हो चुके हैं, यानी जो फ्यूल पंप से लो हो रहा है वो ये लोड कर रहा है। और एक और बात है कि जो आप गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं, ये आपकी सर्चिस पे भी डिपेंड करता है। जो चीज़ आपने सबसे ज़्यादा सर्च की होगी उसके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, यानी गूगल मैप के ऊपर आपके। तो आपको एक दो दफ़ा पहले ना गूगल मैप पर बार बार जाके इस चीज़ की सर्च कर लेनी है जिस बिज़नेस को आप सर्च करना चाह रहे हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपके ना सामने आएंगे। गूगल का जो सर्च इंजन है वैसे ही काम करता होता है ज़्यादातर। सो छः पेजेस जो से हैं वो स्क्रैप हो चुके हुए हैं, और हर पेज से इस टाइम ये 20 रिकॉर्ड फेच कर रहा है। सातवें पेज से भी इसने 20 रिकॉर्ड फेच किए हैं। बाकायदा यहाँ पे आप रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, 161 आउट ऑफ 180 180 रिकॉर्ड जो से इसने शो कर दिए हमें टोटल। तो 180 रिकॉर्ड्स का ही डाटा फेच करने लगा है आठवें पेज पर। तो आठवें पेज पे 180 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, और नौवें पेज पे ये आएंगे 200 रिकॉर्ड पूरा, सॉरी 180 रिकॉर्ड नौवें पेज पे आ जाएंगे। दसवें पेज पे 200 रिकॉर्ड हो जाएगा। सो दसवां पेज जो अब आया, इसने 200 रिकॉर्ड फेच कर लिया। अब 201 से 220 की जो है लाइन लग चुकी है। तो ये टेल तब तक चलेगा जब तक रिकॉर्ड्स गूगल मैप शो करना बंद नहीं कर देगा। तो जितनी देर जितने ज़्यादा ये गूगल मैप रिकॉर्ड शो करेगा, उतने ज़्यादा ये रिकॉर्ड्स को अपने अंदर सेव करता जाएगा। तो मेरी एक सर्च से ही इसने 11 पेज जो से हैं स्क्रॉल कर दिए हुए हैं।
सौ, इसने 250 रिकॉर्ड दिया, 250 रिकॉर्ड पे आके ये वाला बटन इसका ब्लर हो गया है। रिमेंबर दैट, दोबारा बता दूँ, यहाँ किसी जगह पे आपने क्लिक नहीं करना गूगल क्रोम पे, ये ब्लर हो चुका है। स्क्रैपिंग डन सक्सेसफुली, दैट इज़ वाई इसने इसको स्क्रैपिंग को बंद कर दिया। और चूँकि मेरी एक ही सर्च थी, मजीद ये अगली सर्च पे गया ही नहीं, दूसरी सर्च में मैंने डन लिख दिया था, तो अब इसको ये सेव करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे out2.csv की फाइल बन चुकी है, स्क्रैपिंग हो चुकी है, और ये थोड़ी 15 सेकंड बाद बंद हो गया। ठीक है, तो आउट टू की अब हम फाइल को खोलेंगे और देखेंगे इसमें इसने क्या फेच किया। तो इसने कॉन्टैक्ट फाइल जो है वो फेच कर ली है, और इसने PCL नंबर फेच किया है। तो आप गौर से देखेंगे अगर, तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्टैक्ट्स जो हैं कुछ जगह पे, यहाँ पे ये प्लस करके साइन आ रहा है, तो इसको अब हम कैसे ठीक करेंगे, ये पॉइंट आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो एक्चुअली ये नंबर वैल्यू को जो है समझ रहा है एक्सेल मॉडिफाई। तो हम यहाँ पे पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को, और कंट्रोल वन आपने प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल वन पे आपको ये विंडो आ जाएगी, ये विंडो ओपन हो जाएगी, और इस विंडो पे आपने कस्टम के ऊपर आ जाना है, आखिरी सेल के ऊपर, और आखिरी सेल के ऊपर पहली जो ऑप्शन होगी वो ज़ीरो होगा, उस ज़ीरो पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो इस तरह करने से ये जो नंबर है अपनी असल हालत में आ जाएंगे, 9230691077। तो ये नंबर आ चुके हैं, और ये 800 वाला जो सा नंबर आएगा ना, 92800 वाला, एक्चुअली ये टूल नंबर है, तो ये 0800 होगा 92 की जगह पे। ये PSO पंप का है, तो PSO पेट्रोल पंप पाकिस्तान में जितने ये PSO पेट्रोल पंप है उनका टूल नंबर होता है ये 800। तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि ये जो सा इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये रिफ्रेश क्यों नहीं कर रहा, ये नंबर पूरा एक सिम का नंबर है और ये टूल नंबर है, तो टूल नंबर की लेंथ इतनी होती है। तो 92 की जगह पर आपने 0 कंसीडर करना है। आप इस नंबरों को एक्सट्रैक्ट करके आप इनके ऊपर कैंपेन्स चला सकते हैं, SMS कैंपेन्स, इसमें आपको PCL नंबर मिल रहे हैं, इसके ऊपर आप कैंपेन्स चला सकते हैं मुख्तलिफ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फ्यूल पंप्स के नेम आ रहे हैं, और एक और बात, हर फाइल हर रिकॉर्ड एक लाइन के बाद है, तो इस चीज़ से नहीं आपने परेशान होना कि आप कहेंगे ये बीच में से मिसिंग क्यों है, ज़्यादातर रिकॉर्ड मिसिंग क्यों है। इसकी वजह यह है कि अब ये जिसने नंबर नहीं दिया उसने अपना PCL नंबर दिया होगा, तो नंबर वाली फील्ड जाहिर सी बात खाली है। अब इसके ऊपर वाली फील्ड भी खाली है, इसके नीचे वाली फील्ड भी खाली है, ये देख सकते हैं आप। तो आपको ये ना लगे कि ये डाटा फेच कर रहा है लेकिन ये छोड़ छोड़ के कर रहा है, ये डाटा छोड़ छोड़ के नहीं कर रहा, ये इसकी फॉर्मेट ही ऐसा बना हुआ है कि आपको लगेगा। तो हमने तकरीबन 200 रिकॉर्ड फेच किया, तो ये 400 तक जाके ख़त्म होना चाहिए। हाँ जी, 501 पे आके ख़त्म हुआ है, क्योंकि 250 रिकॉर्ड था, तो 250 को डबल कर दें तो 500 कुछ बनता है, 501 बना है, क्योंकि एक एक रो खाली भी है इसमें, इस वजह से। तो ये देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसने बिजनेसेस का डाटा फेच किया, नंबर फेच किया, जिनका नंबर नहीं, जिन्होंने कोई नंबर नहीं प्रोवाइड किया, कोई इन्होंने PCL नंबर नहीं प्रोवाइड किया, तो उनकी जगह पे ऑब्वियसली जो सी है वो फाइल ब्लैंक आएगी, ठीक है ना, वो कॉलम ब्लैंक आएगा ही आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो सा नंबर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हैं और उनको अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये सॉफ्टवेयर हासिल करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके और फेसबुक पे जाके मेरी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेंजर के ऊपर, और मुझसे ये सॉफ्टवेयर ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह।